नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कहा गया है इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज 0.15 मिलीमीटर, जो हम लोग जानते हैं स्मॉल डी सिंबल देते हैं उसको, वो है 0.15 मिलीमीटर। इन द एक्सपेरिमेंट अ सोर्स ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर इज यूज्ड एंड द इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन केप्ट 1.5 मीटर अवे। ये होता है कैपिटल डी, स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन। द सेपरेशन बिटवीन द सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेज ऑन द स्क्रीन इज, दो ब्राइट फ्रिंज के बीच का सेपरेशन पूछा गया है ना, तो दो ब्राइट फ्रिंज के बीच में जो होता है वो मिनिमा होता है, तो मिनिमा का कह सकते हैं डार्क फ्रिंज का विड्थ पूछ रहा है। डार्क फ्रिंज का विड्थ या ब्राइट फ्रिंज का विड्थ दोनों बराबर आता है, और जो फ्रिंज विड्थ होता है उसको हम लोग लिखते हैं लैम्डा डी बाई डी। तो दो मैक्सिमा के बीच में, जैसे कह सकते हैं कि ये मैक्सिमा है ना, ऐसे तो ये मैक्सिमा का ब्राइट फ्रिंज इतना ही होता है, ये भी बीटा ही होगा, और मिनिमा का विड्थ किसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं, ये बोलते हैं मिनिमा का फ्रिंज विड्थ, ये भी होता है बीटा ही। तो ये यहाँ पर पूछा गया है दो मैक्सिमा के बीच का सेपरेशन, यानी कि डार्क फ्रिंज विड्थ पूछा गया है। लैम्डा देखेंगे दिया गया है 589 नैनोमीटर, इसको एंगस्ट्रम में कर देते हैं, ये हो जाएगा 589, एक जीरो और लगा देंगे, ये हो जाएगा एंगस्ट्रम यानी 10^-10। जो कैपिटल डी है वो दिया गया है 1.5 मीटर, ये पहले से एसआई यूनिट में है, डिवाइडेड बाई स्मॉल डी मिलीमीटर में दिया गया है 0.15 मिलीमीटर, तो इसको रखेंगे 0.15 × 10^-3 मीटर हो गया है ना, ये आ गया। अब ये जो है इसको आप सोल्व करके देखेंगे है ना, तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, ये आएगा 5.9 × 10^-3 meter है ना, या इसको 5.9 मिलीमीटर भी कह सकते हैं है ना, तो ये जो है दूसरा ऑप्शन जो है वही आएगा 5.9 मिलीमीटर।